फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में प्रिपेयर स्टेटमेंट और एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बता दिया था, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर होता है फ्रेंड्स एक और बाइंड पैरा, मैं उसको आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको रो काउंट बताना भूल गया था। तो फ्रेंड्स रो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रो को रिटर्न करता है जो लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट में अफेक्ट होती है, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो अपडेट हो। तो फ्रेंड्स रो काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करेगा लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट में। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए फ्रेंड्स रो काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ रो अफेक्टेड बाय द लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट, यानी लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट से जो भी अफेक्ट होगा उससे क्या करेगा, नंबर ऑफ रो को रिजल्ट रिटर्न करेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट, चाहे वो डिलीट हो, इंसर्ट हो या अपडेट स्टेटमेंट हो, एग्जीक्यूटिंग बाय द करस्पॉन्डिंग पीडीओ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो उसके करस्पॉन्डिंग पीडीओ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट होगा तो फ्रेंड्स वो होता है रो काउंट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ेंगे बाइंड पैराम क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट यहां से पहले इस कोड को क्लोज कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से, यानी ए इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे ले जाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ेंगे बाइंड पैराम इन प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं आपको बताता हूं बाइंड पैराम क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बाइंड पैराम क्या होता है, बाइंड्स अ पैरामीटर टू द स्पेसिफाइड वेरिएबल नेम, इसे एक स्पेसिफाइड वेरिएबल के नाम क्या, वेरिएबल्स नेम जो होता है वो बाइंड्स होता है किसी पैरामीटर के साथ, यानी कोई भी वेरिएबल्स होगा वो बाइंड होगा एक पैरामीटर के साथ। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से बाइंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाइंड पैराम आप समझ गए होंगे कि बाइंड्स अ पैरामीटर टू स्पेसिफाइड वेरिएबल नेम, यानी पैरामीटर किसके साथ बाइंड्स होगा, स्पेसिफाई वेरिएबल्स नेम के साथ। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट यहां से कंप्लीट कॉपी करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को, क्योंकि बाइंड पैराम प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स मैंने एग्जीक्यूट फंक्शन यूज किया था। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आप बाइंड पैराम का यूज ना करें तो उस केस में फ्रेंड्स आप ये जो एग्जीक्यूट है इस टाइप से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल दिया था, आप पासवर्ड भी दे सकते हैं कैसे, एक यहाँ पर आपने कोमा लगाना और जस्ट यहाँ से इसको इस टाइप से, यानी इसको कॉपी कर देंगे यानी इस टाइप से, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे दीजिए उसको। उससे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर ईमेल, उसके बाद जो पासवर्ड देंगे यानी इसी टाइप से, जैसे ईमेल इक्वल टू स्कोप रिजोल्यूशन ईमेल और एंड का साइन लगा के एंड एंड लिख के उसके बाद पासवर्ड इक्वल टू स्कोप रिजोल्यूशन पासवर्ड, और फ्रेंड्स यहां पर भी इस टाइप से पासवर्ड और यहाँ डॉलर टी यहाँ पासवर्ड। लेकिन फ्रेंड्स आपने यहाँ पर क्या लिखना होगा, एंड पासवर्ड, अगर एक से ज्यादा पैरामीटर देना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको एक से ज्यादा पैरामीटर पास कराना है एग्जीक्यूट में तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बाइंड पैराम का यूज नहीं करना चाहते तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स अगर आप बाइंड पैराम का यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहां पर डॉलर जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जहां पर ईमेल इक्वल टू ईमेल, ठीक है फ्रेंड्स, एस टी एम टी, यानी स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, बाइंड पैराम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्या होगा, पहला जो होगा इसको जो आपने यहां पर प्लेस होल्डर दिया है ये, ठीक है फ्रेंड्स इस टाइप से। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका यूजर इनपुट जो यूजर प्रोवाइड कराएगा, तो हम यूजर ने क्या प्रोवाइड कराया फ्रेंड्स यहां पर डॉलर ई, यानी ये वाला जो नीचे प्रोवाइड कराया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर इस एर में एग्जीक्यूट लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे ही बाइंड पैराम चला उसके बाद हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से पहले बाइंड पैराम लिया, उसमें ईमेल प्लेस होल्डर लिया और उसके बाद फ्रेंड्स डॉलर ई प्रोवाइड करा दिया जो यूजर इनपुट था, उसके बाद एग्जीक्यूट फंक्शन हमने वर्क रन करा दिया ताकि ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दे। उसके बाद क्या किया, रो काउंट चलाया, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, अगर मैच हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नॉट मैच।
तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने यहां पर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिस्टेक कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉट मैच, क्यों? क्योंकि इस डेटाबेस में, यानी जो डेटाबेस है मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स, टीई नाम का डेटाबेस है, सॉरी टीई नाम की टेबल है, डेटाबेस पीडीओ नाम का। तो टीई नाम फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डी से 007 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से जस्ट कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ, अगर ये मैच कर गया तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैच हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स मैच भी कर गया और उसके बाद जो हमने ईमेल प्रिंट कराया था वो भी हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बाइंड पैराम वर्क करता है। और फ्रेंड्स एक बात और, आप यहाँ पर ईमेल की जगह ये साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर क्या होगा, न्यूमेरिक देना होगा फिर, यानी 1, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये भी यूज कर सकते हैं ये साइन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ आपको न्यूमेरिक देना होगा किसमें है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये सेम चलना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स मैच कर गया, क्यों? क्योंकि danish@gmail.com था। अब मैं क्या करता हूँ, मिस्टेक कर देता हूँ फ्रेंड्स, नॉट मैच, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि DSAFE 007 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स एक बार फिर दिखा देता हूँ, DSAFE 007 फ्रेंड्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए मेल में, तो यहाँ पर नॉट मैच आना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए नॉट मैच आ गया, और जैसे ही मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ इस टाइप से, तो फ्रेंड्स आप अगर मैं इस टाइप से कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैच आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैच हो गया और danish@gmail.com आ गया। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक से ज्यादा हुए, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कोई मतलब नहीं, इसका जो यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा कि यहाँ पर क्या है। तो फ्रेंड्स आप नेम प्लेस होल्डर यूज करें, हालांकि यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इससे क्या पता लगता है, कुछ नहीं, आपको इससे कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप क्या करें, नेम पैरामीटर का यूज करें, यानी इस टाइप से। तो ये होता है फ्रेंड्स बाइंड पैराम किस तरीके से वर्क करता है। फ्रेंड्स अगर आप बाइंड पैराम यूज नहीं करना चाहते तो आप एरे का इस टाइप से एग्जीक्यूट यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बाइंड पैराम आप यूज करना चाहते हैं तो इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है बाइंड पैराम। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे को डिस्कशन फॉर्म में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मेरे रिसेंटली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।